दोस्तों, अगर आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूजर हो, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आप अपनी बिजनेस के ओनर हो, और आप अपनी बिजनेस की अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, तो दोस्तों आपके टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो भी आपने अकाउंटिंग से रिलेटेड वर्किंग कर रखी है, परचेज की, सेल की, पेमेंट की, रिसिप्ट की, कॉन्ट्रा, जर्नल वाउचर, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, यानी कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर रखी है, उसका हमें बैकअप लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी कारणवश सिस्टम के अंदर वायरस आ जाए या आपका सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, तो अगर आपने बैकअप ले रखा है तो वो बैकअप आपका उस दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। डेटा आपका डिलीट हो सकता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर बैकअप ले रखा है तो बैकअप से आप अपने डेटा को रिकवर कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर उन फ्रेशर अकाउंटेंट लोगों के लिए जिन्होंने पहली बार इसी फाइनेंस लेयर से अकाउंट्स की शुरुआत करी है, तो उनके लिए डेटा को सेफ रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और डेटा में और बैकअप में क्या डिफरेंस है, वो भी हम इस वीडियो में आपके साथ प्रैक्टिकल बातें डिस्कस करेंगे। बस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप इस वीडियो का स्किप मत करना, ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके कि हमें बैकअप को लेने का जो सही तरीका है वो क्या है। काफी सारे जो फ्रेशर अकाउंटेंट लोग होते हैं वो बैकअप को ओवरराइट करके रख रहते हैं। आपको ओवरराइट नहीं करना, आपको पर डे के हिसाब से किस तरीके से डेटा के बैकअप को सेफ रखना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन भी है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, GST से रिलेटेड और इनकम टैक्स से रिलेटेड नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और आज की वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के डाटा में और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के बैकअप में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, डाटा का मतलब हो गया भी जब भी हम टैली सॉफ्टवेयर में कोई कंपनी क्रिएट करते हैं और क्रिएट करने के बाद जो हम वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, तो जो भी हमने वर्किंग करी है तो उसका प्रॉपर एक डाटा हमारे सिस्टम के अंदर स्टोर होता रहता है। अब हम स्टोर कहाँ होता है, जब मान लीजिए जब हम कंपनी क्रिएट करते हैं या किसी कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, तो आपके पास पर्टिकुलर एक लोकेशन शो होती है। जैसा कि यहाँ पर एक लोकेशन शो हो रही है भी सी ड्राइव, उसके अंदर यूजर्स के नाम से एक फोल्डर है, उसके अंदर एक सब फोल्डर बना हुआ है पब्लिक के नाम से, उसके अंदर एक फिर फोल्डर बना हुआ है टैली प्राइम के नाम से, और वहां पर एक डेटा के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है जहां पर आपका इस डेटा का जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर सेव हो रहा है। अब हम इस लोकेशन पे चलते हैं, मैंने इस डेटा का लोकेशन यहाँ पर ओपन कर लिए और यहाँ पे हम डेटा पे जाते हैं, तो आप देख सकते हो जो भी आपने कंपनी क्रिएट कर रखी है और जो कंपनी का जो डेटा का जो यहाँ पर जो कोड है, जैसा ये डेटा है और इसका एक कोड यहाँ पर बनता है, और इसका जो कोड है ये इसी कोड के नाम से हमारे सिस्टम के अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है और वहां पर हमारा डाटा स्टोर होता रहता है। हम इस फोल्डर को अगर आप ओपन करते हैं तो कुछ इसके अंदर फाइलें हैं जो टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ऑटोमेटिक है, जो सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देता है। अब इसको हम यहाँ से ओपन करके देख नहीं सकते, ये टैली सॉफ्टवेयर अपने आप इसको रीड करता है। ये तो हमारा डेटा है जो ऑटोमेटिकली कंपनी क्रिएट करने के बाद बन जाता है और उसके अंदर डेटा हमारा स्टोर होता रहता है। लेकिन अब बात आएगी भी बैकअप लेना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, बैकअप लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए आपका जो रिकॉर्ड है वो प्रॉपर इस ड्राइव के अंदर सेव है, सी ड्राइव के अंदर। मान लीजिए किसी कारणवश सी ड्राइव के अंदर कोई वायरस आ जाए या हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम विंडो बोल देते हैं वो किसी कारणवश क्रैश हो जाए, तो हमें सिस्टम को रिस्टोर करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा है वो क्रैश हो सकता है। अगर आपका सी के अलावा अगर कहीं रिकॉर्ड देखा हुआ है तो हो सकता है वो डेटा सेफ रहे, लेकिन हमें डेटा के साथ साथ बैकअप लेना भी जरूरी है। हमारे पास डबल सिक्योरिटी एक तरीके से बन जाती है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास कोई भी हो, डेटा ऑटोमेटिक बनता है, बैकअप आपको प्रॉपर लेके रखना पड़ता है अपने ड्राइव के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में अगर हमें टैली सॉफ्टवेयर का बैकअप लेना पड़े तो बैकअप हम किस तरीके से लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर कितनी ड्राइव बनी हुई है। जैसे मेरे साथ यहाँ पे CDE या इस तरीके से आई तक मेरे पास ड्राइव बनी हुई है, लेकिन अब मेरा जो मेन डाटा है वो मेरा सी ड्राइव के अंदर सेव हो रहा है, लेकिन अब मुझे जो बैकअप रखना है वो सी ड्राइव के अलावा मुझे रखना चाहिए। अगर सी ड्राइव क्रैश होती है तो केवल मेरा डाटा ही क्रैश हो, जो मेरा बैकअप रखा हुआ है वो मेरा सेफ रहे। अब मान लीजिए मैंने आई ड्राइव के अंदर बैकअप ले लिया,
तो अब आई ड्राइव में जो बैकअप लेने का तरीका वो क्या है, आपको सबसे पहले डेटा पे जाना है, और डेटा पे जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा बैकअप का, आपको बैकअप पर क्लिक कर लेना है, और उसके बाद में यहां से आपसे इसकी प्रॉपर एक लोकेशन पूछी जाएगी भी आपने जो बैकअप लेना है वो कौन सी लोकेशन पे लेना है। बाय डिफॉल्ट ये सी ड्राइव आ रही है, तो मेरे को सी ड्राइव के अंदर बैकअप लेना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा सी की जगह आई ड्राइव कर दूंगा, और उसके बाद में आई ड्राइव के अंदर मैं क्या करूंगा प्रॉपर एक यहां पर फोल्डर क्रिएट करूंगा टेली बैकअप, और टेली बैकअप के अंदर भी मैं डेट वाइज रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहता हूं, तो मैंने यहां पर एक ड्राइव का निशान लगा दिया कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो ये मैंने जो आप स्लैश टाइप का निशान देख रहे हो आपको इस तरीके से, यहाँ पे भी आप देख सकते हो आई के आगे भी है, यानी कि आई के अंदर हमारा टेली बैकअप के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो रहा है, और उस बैकअप के अंदर एक सब फोल्डर फिर हमें एक क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर एक डेट वाइज डाटा बैकअप करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 26 अप्रैल 2023, यानी कि 26/4/2023 के नाम से मैंने एक सब फोल्डर और क्रिएट कर दिया। और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अब जैसे मैं इसको इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो स्पेसिफाई पाथ आपका ये हो रहा है, ठीक है, और ये कह रहा है आप इसको डू वांट क्रिएट, इसको करना चाहते हो, नया क्रिएट करना चाहते हो फोल्डर, मैंने यस कर दिया। अब ये मेरा पॉथ यहाँ पर क्रिएट हो गया, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, और उसके बाद में मेरे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जितनी भी कंपनी बनी होगी उस सब कंपनी का नाम और उसका कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप सभी का यहाँ पर बैकअप लेना चाहते हो तो प्रॉपर एक एक करके सभी को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने एक्सेप्ट कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो अब मैंने देखूंगा आई ड्राइव में जाके, मैंने आई ड्राइव ओपन कर दिया, और टेली इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे पास में टेली बैकअप के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया, इसको मैंने ओपन किया, और इसके अंदर आप देख सकते हो एक ये 26 अप्रैल 2023 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो गया, इसको मैं ओपन करूंगा तो इसके अंदर मेरे पास जितनी कंपनी थी उन कंपनी का बैकअप यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया भी आज मैंने 26 अप्रैल 2023 को डेटा का बैकअप लिया है, तो ये 26 अप्रैल के डेटा के अंदर जाएगा। अब मान लीजिए अगर मैं नेक्स्ट दिन यहाँ पर अगर इसका मैं बैकअप लेता हूँ मैं, तो वापस मैं डेटा पे जाऊंगा, मान लीजिए 27 अप्रैल को फिर मेरे को बैकअप लेना है, तो वहां पर इसकी ड्राइव करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, या चाहे तो आप यहाँ से अब इसको ड्राइव को सिलेक्ट करते हो, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, तो इसके अंदर मैंने आई ड्राइव के अंदर सिलेक्ट कर लिया, आई ड्राइव के अंदर मैंने टेली बैकअप के नाम से सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप चाहो भी अगर आप फोल्डर अलग से क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको 26 अप्रैल अगर आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में वापस जाके इसको डेट को आप चेंज कर दो, यानी कि 26 की जगह मैंने इसको हटा के 27 कर दिया, यानी कि अभी 27 अप्रैल के नाम से एक नया फोल्डर और क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद में वापस मैंने उन सभी कंपनी का यहाँ पर बैकअप लूंगा। तो अब मेरे आई ड्राइव के अंदर क्या हो जाएगा, दो फोल्डर बन जाएंगे, एक तो 26 अप्रैल का और एक 27 अप्रैल का, यानी कि 26 अप्रैल का डाटा मेरे पास अलग रिकॉर्ड, 27 अप्रैल का बैकअप अलग रिकॉर्ड। तो अब मुझे अलग रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत क्यों पड़ी, भी बाय द वे मान लीजिए 26 अप्रैल वाले डेटा के दिन मेरे सिस्टम के अंदर कोई दिक्कत थी, यानी कि वो कोई वायरस था, तो इसका मतलब अगर आपका डेटा क्रैश है तो हो सकता है आपका बैकअप भी क्रैश हो सकता है, ये जरूरी नहीं है भी बैकअप आपका 100% सेफ हो, तो बैकअप भी आपका क्रैश हो सकता है, तो इसीलिए मैंने 27 अप्रैल का एक फोल्डर अलग से क्रिएट कर लिया, जो मैंने 27 अप्रैल 2023 को जो काम किया है उसका डाटा मेरा 27 अप्रैल के अंदर सेफ रहेगा। इसी तरीके से 28 तारीख 29 तारीख 30 तारीख तक आप डेट वाइज अलग अलग फोल्डर क्रिएट करके रख सकते हो। तो आपको ये जरूरी नहीं है भी आपको पूरे साल 365 फोल्डर आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, आप लास्ट के 5 बैकअप है, जैसे मान लीजिए मेरा 1 तारीख आ गया तो मैं लास्ट के 5 बैकअप रख लूंगा, उससे पहले वाले जो फोल्डर है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, ताकि किसी कारणवश अगर मेरे एक दिन में या दो दिन में अगर कोई एरर आती है तो कम से कम मेरा लास्ट 5 दिन के अंदर मेरा डेटा है जो सेफ रहेगा। तो आपको फोल्डर क्रिएट कर लेना है, बाद में जैसे ही आपका 6ठा दिन बने आप लास्ट का 1 दिन का जो डेटा है जो बैकअप आपका उसको आप डिलीट करते रहो, लास्ट 5 डेज का 6 डेज का या 7 डेज का जैसे भी आपको सुविधा लगे उसी अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम के अंदर इसका बैकअप का फोल्डर है जो रख सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं इस बैकअप को एक ही फोल्डर के अंदर ओवरराइट करते रहते हैं, आपको ओवरराइट करने की जरूरत नहीं है, ओवरराइट करने से कभी आपको 26 तारीख का डेटा भी आपको रिस्टोर करना पड़ सकता है, कभी आपको
30 तारीख का भी डेटा रिस्टोर करना पड़ सकता है। अगर आपने एक ही डाटा को ओवरराइट अगर आप करते रहोगे तो सारा डाटा जो पिछला बैकअप लिया हुआ है उस बैकअप के अंदर एरर है, और आपने 27 तारीख का भी बैकअप उसी डाटा के ऊपर ओवरराइट कर दिया तो आपके 27 तारीख के वाले डाटा के अंदर भी एरर आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा डेटा का जो बैकअप है वो हमें डेट वाइज अलग अलग रखने में फायदा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना।